एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा एंड फाइनली मैंने देख लिया वो मूवी जिसका टीजर शाहरुख खान ने अपने बर्थडे पे रिलीज किया था एंड जो कि इंडिया में ऑलरेडी नंबर वन ट्रेंड कर रही है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डंकी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बाकी लोगों का बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे काफी सालों पहले एक यूट्यूबर के वीडियो के थ्रू पता चला था कि डंकी रूट होता क्या है। तो बेसिकली जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं या तो पढ़ने या काम करने, लेकिन उनके पास प्रॉपर वीजा प्रोसेस करने के लिए ना ही पैसे है ना ही रिसोर्सेज है, वो लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर्स क्रॉस करके दूसरी कंट्रीज में घुस जाते हैं, जिसे वो लोग कहते हैं डंकी मारना। मेट्रोपोलिस में नहीं, लेकिन छोटे शहरों में ये टर्म काफी ज्यादा कॉमन है। बट ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये जो डंकी मारने का प्रोसेस है ये बहुत बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और अनसेफ है। और स्टडीज के अकॉर्डिंग देर आर ओनली 25% ऑफ द पीपल हु एक्चुअली मेक इट टू द कंट्रीज दे आर हेडिंग टू। और बाकी के जो लोग होते हैं वो थक हार कर या तो वापस अपनी कंट्रीज की तरफ निकल पड़ते हैं, या फिर पुलिस उनको पकड़ लेती है, या वो लिटरली इस पूरे प्रोसेस में अपना दम तोड़ देते हैं। ऐसी स्टोरी इस मूवी की है जिसमें पंजाब के एक छोटे से शहर के लोग जाना चाहते हैं लंदन। सबकी अलग अलग फैमिली कंडीशंस है, तो वो ही क्लासिक इंडियन मेंटालिटी कि बाहर जाकर डॉलर्स में या पाउंड्स में कमा के लाएंगे तो यहाँ पे लाइफस्टाइल ठीक हो जाएगा। इसलिए वो काफी अलग अलग तरीकों से ट्राई करते हैं कि उनका वीजा लग जाए। सी दिस होल प्रोसेस इज सो वास्ट, लेकिन इन लोगों ने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बहुत अच्छे से कवर की है। सब कुछ बताया कि ट्रैवल एजेंट्स आपको किस किस तरीके से पागल बनाते हैं, क्या क्या फ्रॉड्स होते हैं पूरे प्रोसेस में, जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री में पहुंच के आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है। आप ये सपने लेके जाते हो कि हम वहां जाके डॉलर्स में कमाएंगे, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि उस कंट्री के लिए आप एक अनडॉक्यूमेंटेड और इलीगल इमिग्रेंट हो। कोई आईडी प्रूफ नहीं है आपके पास, इसलिए आपको हर टाइम इसे छुप के रहना पड़ता है। कुछ हो जाए तो डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते, पुलिस के पास नहीं जा सकते। इतनी ज्यादा हार्डशिप्स होती है कि लोग उसके बारे में इमेजिन भी नहीं करते हैं। और इसीलिए इस मूवी में इन्होंने बहुत सारे लोगों के थ्रू बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द जर्नी दिखाए हैं। मूवी का टॉपिक जितना ज्यादा सीरियस है ना, मूवी सरप्राइजिंगली उतनी ज्यादा फन है। इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ 5-6 SRK मूवीज जिसमें एक्शन, रोमांस, इमोशन और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन है। सो SRK इज अ क्लासिक पंजाबी स्टड जो कि एक फौजी भी है। तापसी इज अ टिपिकल पंजाबी फन एंड चर्पी गर्ल जो कि SRK का लव इंटरेस्ट भी है, और तापसी के साथ है उसके दो बचपन के दोस्त। तो ये सब लोग मिलके थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं और एक ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं UK का वीजा लगवाने के लिए, और वो ट्रैवल एजेंट इवेंचुअली उनके पैसे लेके पूरा अपना ऑफिस शिफ्ट करके भाग जाता है। सो दीज किड्स आर शैटर्ड एंड इवेंचुअली वो कुछ ना कुछ ऐसे तरीके ढूंढते रहते हैं जिससे बस उनका वीजा लग जाए और वो अपने सपने पूरे कर सके। सो मच ऑफ कॉन्टेंट एंड अ टोटल एंटरटेनमेंट दिस फिल्म इज। पता है इतनी सारी चीजें जिसके बारे में मैं आपसे डिटेल्स में बात करना चाहती हूँ, लेकिन ना इतने स्पॉयलर्स खुल जाएंगे ना कि मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है वो। सो अभी के लिए आई विल रादर कंट्रोल। बट बेटर पार्ट इज कि ये मूवी आपको एकदम ऐसे हैवी फील नहीं करवाती है। एवरीथिंग इज सो बैलेंस्ड, मजाक, मस्ती, प्यार, दोस्ती, इंटेंस डिफिकल्ट सिनेरियोस, सब कुछ बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से दिखाया है। एंड बिलीव इट और नॉट, बिसाइड्स इतने सारे सीरियस चीजें, इस मूवी में बहुत फन है। मतलब डेफिनेटली आपको अपनी फैमिली के साथ देखने में बहुत मजा आएगा। तो मूवी का स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी काफी जबरदस्त है, और शूट लोकेशन तो काफी ब्यूटीफुल है। राजकुमार हिरानी और रेड चिलीज का कोलैबोरेशन है, एंड एज फार एज आई रिमेम्बर राजकुमार ने तो कभी कोई खराब फिल्म बनाई नहीं है। ऑल्सो ट्रेलर देख के मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि मूवी में क्या होने वाला है, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर निकली है मूवी। सो आई वाज तो वेरी हैप्पी। कास्ट तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही अप्रोप्रिएट लगी मुझे। SRK के लिए तो बोल ही सकते हैं दैट ही नेवर डिसअपॉइंट्स, मतलब बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। तापसी वाज आल्सो वेरी गुड। अनिल ग्रोवर है सुनील ग्रोवर्स ब्रदर एंड ही वाज वेरी गुड टू। जब मैं मूवी देख रही थी मुझे तब रियलाइज नहीं हुआ, मेरे ये वापस आके देखा कास्ट में तब मुझे पता चला, क्योंकि शक्ल से तो बहुत रिलेटेड लग रहे थे दोनों, एंड आई एक्चुअली चेक की भाई ये रिलेटेड तो नहीं है। एंड देयर आई गॉट टू नो दे आर बोथ ब्रदर्स। विक्रम कोचर को मैंने काफी सारी वेब सीरीज में देखा है एंड आई हैव ऑलवेज लाइक्ड हिम, बट इधर उनका थोड़ा सा ऐसे फन बट थोड़ा सा सीरियस रोल भी था, आई लव्ड इट। बमन ईरानी इज एन IELTS टीचर एंड ही इज अमेजिंग इन हिज रोल, और ज्यादा मुझे उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ कहने की जरूरत है नहीं। अगर आपने इंस्टाग्राम पे ये टीचर देखा है ना, तो बस इससे ज्यादा मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, ही इज एग्जैक्टली द सेम। विकी का रोल वाज शॉर्ट बट वेरी इंपैक्टफुल, और इस मूवी में एक्टिंग डेब्यू किया है विष्णु कौशल ने। इट वाज ग्रेट टू सी हिम ऑन द स्क्रीन। और इतने सालों बाद आई सॉ देवेन भोजानी, और पता नहीं कैसे ही मैनेजेस टू लुक एग्जैक्टली द सेम, बट ऑल्सो आई हैव ऑलवेज लव्ड वॉचिंग हिम। सॉन्ग्स काफी अच्छे हैं। मैं लुट गया वाला सॉन्ग इज रियली नाइस एंड इट इज ट्रेंडिंग ऑल ओवर, लेकिन बाकी के गाने ट्रेंड नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, दे आर रियली नाइस। All in all, as a viewer, I would say this movie actually stays with you. मतलब मैं वापस आई ना, मैं for a long time I was thinking about the story and the hardships and everything. तो मतलब पूरी movie का impact पड़ता है आपके ऊपर। बहुत अच्छी story है और एक बहुत ही strong social message है इसमें। People are loving it on social media और solid houseful जा रही है movie. मेरी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ज्यादा बेटर थी, तो आई एम गोइंग टू गिव इट अ 4.5 रेटिंग। आप मुझे कमेंट्स करके बताना अभी तक आपने देखी या नहीं देखी, या प्लान कर रहे हो इस वीकेंड पे देखने का,
अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो प्लीज जरूर प्लान बनाना. आई लव्ड इट, आई हाईली रिकमेंड. एंड दिस वाज इट फॉर टुडे. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड अभी बहुत सारी मूवीज और आ रही है, मैं सारी रिव्यू करने वाली हूँ. लेट मी नो इन द कमेंट्स आप कौन सी मूवी का या कौन सी सीरीज का वेट कर रहे हो अभी जो आने वाली है. और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलना. आई एम गोइंग टू सी यू रियली सून इन द नेक्स्ट वन. बाय.